भाई वो वाल्मीकि है, मैं जाट हूँ, वो अहीर है। तो इसी बीच एक ही बात रखना चाहूंगा कि एक टाइम था जब शूद्र को खालसा बनाने के लिए उस समय गुरुओं ने भी अपना पूरा जोर लगा दिया कि शूद्र को खालसा बनाना है, इस नीची जाति को उठाकर इस लेवल पे लेके आना है कि कल को चिड़िया भी बाज का मुकाबला कर सके। ना जाने कितनी बेटियों के साथ ऐसा कुछ हुआ है आज तक, जिसके खिलाफ आज तक आवाज़ नहीं उठी। हम ये मानते हैं कि आज एक दलित की बेटी के साथ हुआ तो सरकार ने अपना मुंह फेर लिया, अपनी जुबान फेर ली, और सच बोलने के लिए जो आगे आ रहा था उनको भी दबा दिया गया। तो इसी बीच एक ही बात रखना चाहूँगा कि एक टाइम था जब शूद्र को खालसा बनाने के लिए उस समय गुरुओं ने भी अपना पूरा जोर लगा दिया कि शूद्र को खालसा बनाना है, इस नीची जाति को उठाकर इस लेवल पे लेके आना है कि कल को चिड़िया भी बाज का मुकाबला कर सके। काशीराम जी ने राजनीतिक सत्ता को जो वंचित समाज है, जो गरीब समाज है, जो मजदूर समाज है, उसको राजनीतिक सत्ता की मुख्य धारा में शामिल करने का उन्होंने काम किया था। और वो महापुरुषों की जो आइडियोलॉजी थी, जो विचारधारा थी, वो जन जन तक पहुँचाने का भी कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। हमें ओम प्रकाश जी से भी सुनने को मिला और भी सभी साथियों ने बताया कि हम जब तक एक दूसरे में, चाहे वो किसी भी, आज हम जाति को या समाज को इसी तरीके से करते हैं कि भाई वो वाल्मीकि है, मैं जाट हूँ, वो अहीर है, वो है, तो सबसे पहले तो हमें वो सारा छोड़ना पड़ेगा। हमें केवल क्या कि हमेशा अंदर से भावना आए हेल्प करने की, क्योंकि जब तक हम हेल्प की भावना नहीं रहेंगे, सहयोग, सद्भावना, सहयोग के अंदर सद्भावना बहुत जरूरी है। भावना के मतलब होते हैं बुरे और अच्छे दोनों हो सकते हैं भावना के मतलब, लेकिन सद्भावना का मतलब है अच्छी भावना से काम को करना। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।